करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। खुद अपनी नगरी का नव निर्माण करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। अपना फर्ज निभाना है। देखिए इस वक्त हम जनपद बहराइच के कैशगंज तहसील में स्थापित कंचन कॉन्वेंट विद्यालय में यहाँ पर मौजूद है और आज यहाँ पर मतदाताओं को जागरूक करने हैं। एक मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। हमारे बीच में डॉक्टर साहब है, हम पूरा नाम भी पूछते हैं तो सर एक बार पूरा आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर देवेश कुमार श्रीवास्तव जी, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, इस समय राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कुलासर में पोस्टेड हूँ, इस समय नोडल ऑफिसर भी हूँ। कैसे जी? नहीं सर, जो आज आप स्कूल में जा रहे हैं, देखिए कई कार्यक्रमों में भी आप गए हैं जी सर, तो और कैसे मतदाताओं को जागरूक किया जाए, इसमें क्या? हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारा एक पर्व है, चुनाव एक पर्व है, उसको उस तरह से रिसीव करना है, उस तरह से बताना है हमारे बच्चों को, हमारे महिलाओं को। तो ये एक ऐसा चीज है जो अभी तक देखा गया है कि परसेंटेज चुनाव की बहुत कम हो रही है, 50% 60% से ज्यादा उठने की कोशिश नहीं कर रही है। तो हम सब मिलके इस आयोजन को, इसको एक पर्व के रूप में मना के 100% ऊपर उठाना है। अभी लोगों को कहना है शासन द्वारा कि 80% ले जाए, लेकिन नहीं, मेरा ये मिशन है कि ये 100% जब हम बात करेंगे तब 80% होगा। तो हमारा अब जो मुख्य उद्देश्य है, हमारे टारगेट जो है, वो हमारे बच्चे हैं, स्कूलों के बच्चे। मैंने इसलिए यहाँ पे मिशन बनाया है कि हमारे इन बच्चों के जितने माता पिता हैं, ये बच्चे प्रण करेंगे हमारे कि हम जो है आज का खाना नहीं खाएंगे जब तक हमारे उंगली में हमारे मम्मी पापा का जो है वो निशान नहीं लगेगा। तो हमारी इसी तरह की महिलाओं को भी, हम जितनी हमारी स्टाफ भी आई हुई है, उन लोगों को भी ये बताना चाहेंगे कि हमारी स्टाफ घर में अपने पतियों को, अपने उन लोगों को बोले कि भैया खाना नहीं मिलेगा, पहले चुनाव निशान बहुत अच्छी रोकते हैं सर जी सर। जैसे सर बाढ़ के उत्पाद भी है, जाते भी है, बाढ़ के उत्पाद भी गए हैं, नदी के क्षेत्र में लोग रहते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे, क्या वहाँ भी कुछ मिशन चला करके लोग जागरूक करेंगे? जी, मैं मेरा उनको लोगों को मिशन नहीं किया, वो लोग अगर हमको बताएंगे कि हमारे पास साधन नहीं, तो हम लोग साधन भी उपलब्ध कराएंगे। ये इसमें कोई नेता नहीं थे, उन लोगों से हम लोगों को नहीं इन्वॉल्व होंगे, हम लोग अपने स्तर से, प्राइवेट स्तर से मिलकर उन बच्चों को जो वृद्ध है, हमारे विकलांग है, उन लोगों को अपनी गाड़ी से खुद लाने की प्रयास करेंगे कि वो हमारे चुनाव क्षेत्र जहाँ पे है वहाँ पे चुनाव हो। और चुनाव की बहुत अच्छी व्यवस्था इस समय हो रही है, वहाँ पे हर एक चीज की रैंप की व्यवस्था हो गई है सारे स्कूल में और सारी पानी पीने की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, विकलांग को कोई उस पर चढ़ने की जरूरत नहीं, बाकायदा रैंप बना हुआ, वो आराम से जाके चुनाव अपना जो है मतदान पूर्ण रूप से कर सकती है। धन्यवाद 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 डॉक्टर साहब। देखिए अभी आपके बीच में डॉक्टर देवेश जी अपनी बात को रखा, इन्होंने कहा कि बाद के उस बात और तमाम जो विद्यालय उनमें पहुंच करके मतदाताओं को जागरूक करने हेतु निरंतर कार्यक्रम चलता रहेगा। हम बात करते हैं जो कंचन कॉन्वेंट विद्यालय के जो है प्रबंधक है और हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं मनीष श्रीवास्तव जी से मैं बात करता हूं। तो सर आज आपके विद्यालय में हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है, तो और से और अधिक से अधिक मतदान हो, इसमें कम शब्दों में क्या कहना चाहिए? मतदाता जागरूकता अभियान के लिए विभिन्न कार्यक्रम सरकार द्वारा एवं स्वयं सभी संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है। मैं अपने विद्यालय की ओर से एक मतदान जागरूकता अभियान का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया था, जिसमें सभी बच्चों ने ये शपथ ली है कि जब तक हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन जो 18 वर्ष की उम्र को पार कर चुके हैं या 18 वर्ष की आयु 1 जनवरी 2019 को पूरा कर रहे हैं, जब तक मतदान नहीं डालेंगे, जब तक वोट नहीं डालेंगे, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, तब तक हम उन्हें घर में बैठने नहीं देंगे। सबसे पहले वो मतदान करने जाएंगे, उसके बाद वो दूसरा काम करेंगे। और हम बच्चों को कक्षाओं में जाकर ये भी बताते हैं कि मतदान करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि यदि मतदान का प्रतिशत 100% हो जाएगा तो देश और प्रदेश में लोकप्रिय सरकारें बनेंगी और हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा और हमारे देश पूरे विश्व में महाशक्ति बन सकेगा। धन्यवाद। देखिए अभी आपके बीच में कैमरा मैन पीछे जाए हमारे, अभी आपके बीच में जो इस विद्यालय के प्रबंधक मनीष श्रीवास्तव जी ने अपनी बात और मैं इस चैनल के माध्यम से आप जनता से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग 6 मई को वोट डालने अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर जरूर जाएं और अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को अवश्य ले जाएं। न्यूज़ न्यू इंडिया से अशोक मिश्रा फैलाएं। हमारा कोई भी
ऐसा न बचे, विकलांग जन हमारे भाई जो है, वृद्ध जन जो है, सब लोगों को हमारा कर्तव्य है कि कहीं से भी कैसे हाथ सब लोग आगे बढ़ाएंगे, सब लोग हाथ आगे बढ़ाएंगे, हाथ आगे बढ़ाएं, एक हाथ को नहीं, एक हाथ को खड़ा कराएं, क्या बैठे बैठे कहते हैं शपथ लेते हैं। भारत माता जी जय। भारत माता जी जय।